करेगा रेड यहाँ में है। Here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today you can see this Bunkol. Second day of this Bunkol has paralyzed the normal life of capital Itanagar. Only few vehicles, exempted vehicles, ambulances, police vehicles, and media vehicles are allowed here. And this is the second day of Bunkol. And Pan Arunachal Joint Action Steering Committee, they are demanding their 13 demands to be fulfilled. This Bunkol will not be called off. हाँ जी, बिल्कुल. ये होना चाहिए. यहाँ का जो demand है, बिल्कुल सही है. हम लोग इसको बहुत साथ देता है, ये गलत है. इसको गवर्नमेंट जरूर इसको सुनना चाहिए, हम लोग का डिमांड को, हमने मांगे को. वी आर हियर एट इटानगर, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ बर्न कॉल कॉल बाय कॉमन पब्लिक, नॉट पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमिटी. एंड दिस दे आर डिमांडिंग देयर 13 पॉइंट डिमांड्स टू बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द APPS लीकेज स्कैम. तो हमारे साथ यहाँ पे जितने अभी देख रहे हैं आप आकाशदीप के सामने, ये सब प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो अलग अलग 13 डिमांड्स को लेके अपनी गवर्नमेंट से फुलफिल कराना चाहते हैं. कम अब इधर अभी आप इधर. अच्छा आप बताइए कि आप लोग का क्या ये जो डिमांड्स था, जो 13 डिमांड्स है, जैसे कि चेयरमैन का और नल एंड वॉइड होना है, ये सब डिमांड्स को अगर पूरा नहीं किया गया, कब तक आप लोग बंद करेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि सभी को तकलीफ हो रही है. देखिए, ये सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग हम लोग को दिखाई देखिए यहाँ आप लोग इंटरव्यू लेने आया है. मेन चीज़ तो हम लोग का जितना जो अरुणाचल शहर का जनता का मकसद तो वही है, जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में जो 13 पॉइंट है ना, जब तक उसको सक्सेस नहीं करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करेगा, तब तक हमारा ये बोन कॉल चलता रहेगा. तो अगर ये जो तकलीफ हो रही है, जैसे इनोसेंट लोग जो अगर मेडिकल जाने चाहते हैं या कोई जाने, उसको आप लोग जाने देने, स्टूडेंट्स को ये सब अगर कोई नहीं, नहीं, जो क्लास 10 और 12 का जो फिलहाल एग्जाम चल रहा है ना, इनको तो हम लोग परमिशन दे रहे, उनका प्लस आपका जो कार्ड का हिसाब में जो आई कार्ड जो एग्जाम का जो आई कार्ड होता है ना, तो उसका मुताबिक भी उनको जाने दे रहे हैं. आज 11 बजे CM ने बुलाया और मीटिंग थी कि 13 पॉइंट्स के लिए डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग मानेंगे अगर उसके बाद CM की तरफ से कोई एश्योरेंस आता है तो आप लोग बंद कॉल छोड़ेंगे? देखिए, ये CM जो जो हमारा जो डिमांड 13 पॉइंट है ना, तो इनको आके पब्लिक का मैदान में सबका साथ में अगर वो जाके ऑन द स्पॉट में अगर फैसला करता है कि 13 पॉइंट को वहाँ फुलफिल कर देगा, बोलने से क्यों नहीं, उसके लिए तो हम लोग कर रहे हैं. तो वो हमारा डिमांड को पूरा कर देगा तो हम भी छोड़ देगा बंद कॉल, हम भी तोड़ी यहाँ सड़क में घूमते रहेगा, हमारा डिमांड को फुलफिल करने के लिए घूम रहे हैं. गवर्नमेंट एक्सी तो क्यों नहीं, हम भी बनकर शोक देगा. क्या लगे रैली में इनके जो 13 पॉइंट डिमांड्स है उसको पीसफुली हमने अलाउ किया, परमिशन भी दिया, लेकिन 5 बजे तक ख़त्म होना था, ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद बनकॉल कर दिया, जो कि ऑफकोर्स बनकॉल इन एनी केस पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा तकलीफ होता है. तकलीफ होने से जो है आपको पूरा जो पब्लिक लाइफ है उसमें काफ़ी दिक्कत आता है, इसलिए हमने बहुत अपील किया कि ऐसा ना करें, पर फिर भी बंद कॉल घोषित कर दिया. उसके बाद कल से बंद कॉल चल रहा है. जो ये बंद कॉल है इसमें व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज जो डिमांड्स कर रहे हैं जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, साथ साथ में बहुत काफ़ी सारे फ्रिंज एलिमेंट्स भी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं. तो कल 2 बार जो है बैरिकेड्स को राजभवन के सामने तोड़ा गया. इसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अपील की गई, एंड एक कल जो स्वेरिंग इन था उसको भी कॉल ऑफ कर दिया गया, जो इमीडिएट डिमांड था. चेयरमैन एंड मेंबर्स का जो स्वेरिंग इन था सेरेमनी, उसको कॉल ऑफ कर दिया. बट कॉल ऑफ करने के बावजूद भी जो बन कॉलर से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. इसके बाद गवर्नमेंट ने बाकी इनके जो भी डिमांड्स हैं उस पर बात करने के लिए मीटिंग के लिए भी बुलाया है. अभी 11 बजे है जब मीटिंग कंडक्ट होना चाहिए था, तो उसके बारे में उसके लिए भी बुलाया, लेकिन अभी जो है बंद को कंटिन्यू जारी रख रहे हैं, एंड अभी क्राउड काफ़ी एग्रेसिव हो रही है, एंड काफ़ी सारा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, स्पेशली पब्लिक प्रॉपर्टी. हमारे ही रोड है ये, हमारे कैपिटल का अपना ही सारे पब्लिक का रोड है, ये किसी एक पर्सनल का नहीं है. साथ में साथ बहुत सारा अलग अलग जो प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी डैमेज हुआ. तो कल भी जो है बैरिकेड्स को 2 बार तोड़ा गया, एंड हमारा जो राजभवन की तरफ मूव करने की कोशिश की, तो अनफॉर्चुनेटली हमें भी पुलिस एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि जो इतना इम्पोर्टेंट लोकेशंस है उसको हमें गार्ड भी करना पड़ता है. तो इससे जो स्किर्मिश है उसमें इंजुरीज भी हुए, पब्लिक के भी इंजुर हुए, लेकिन पुलिस की तरफ से भी अराउंड 13 पीपल हैव बीन इंजर्ड, हेड इंजरीज काफ़ी सारे हुए क्योंकि पथराव हुआ था.
एंड बाकी और भी बहुत सारे इंजर्ड हैं। 13 को हमने मेडिकल में बेसिकली चेकअप करवाया है, इसके अलावा वैसे इंजरी बहुत सारा है फोर्स में, एंड फिर भी हमने जैसे तैसे इसको पीसफुली कल रखने की कोशिश की, एंड रात को ज़्यादातर तो पीसफुली रहा, लेकिन आज सुबह अभी फिर देख रहे हैं कि क्राउड स्वेल हो गया है। एंड मैं होप करता हूँ कि आप जो है जो पब्लिक है उनसे कि इस तरह का जो एग्रेसिव बिहेवियर है क्राउड में उसको प्लीज़ सपोर्ट ना करें, इससे किसी को फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है, एंड नुकसान जो है हम सबको है, ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी सिर्फ नहीं है, ये पब्लिक कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी है, एंड ऐसा करने से ये हमारा ही जो अपना शहर है इसका ही माहौल ख़राब हो रहा है, एंड वी आर ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कैपिटल। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर अगर क्राउड करता है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट ना करें, एंड ट्राई करें कि इसको कंट्रोल में रखें। सर डिटेन कितनों को किया है? कल क्योंकि काफ़ी एग्रेशन हुआ था तो डेफिनेटली केसेस रजिस्टर करने वे रजिस्टर, एंड जो अभी कोई भी डिटेन नहीं है।